मैं हूँ आपकी दोस्त मनीषा। आज हम बनाएंगे दाल मखनी, तो चलिए बनाते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए हमने एक बड़ा प्याज कद्दूकस किया है, 3 मीडियम साइज टमाटर की प्यूरी बनाई है, 4 टेबलस्पून देसी घी, 4 टेबलस्पून क्रीम, मक्खन, धनिया पत्ती, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, 1 चम्मच अदरक ग्रेटेड किया हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। 1 कटोरी साबुत उड़द की दाल ली है, 2 टेबलस्पून राजमा, 1 टेबलस्पून चने की दाल ली है। आप चने की दाल को स्किप भी कर सकते हैं, उसकी जगह 1 चम्मच बेसन ले सकते हैं। इसको हमने 8 से 10 घंटे तक भिगोना है या ओवरनाइट आप इसको भिगो सकते हैं। यहाँ मेरी दाल भीग चुकी है, अब इसको हम बॉईल करेंगे। अब हम दाल कुकर में डालेंगे। अब इसमें हम बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटा लहसुन और बारीक कटी जो हमने कद्दूकस करके अदरक लिए वो डालेंगे। इससे क्या होगा, जो लहसुन और अदरक का जो फ्लेवर है जो दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें हम नमक डालेंगे, दाल में 1 चम्मच देसी घी या 1 चम्मच मक्खन डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, हम इसमें 6 से 8 सीटी लगाएंगे, फिर इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। भाप निकल चुकी है, चलिए अब हम दाल चेक करते हैं बनी कि नहीं। हमारी दाल भी बिल्कुल देखो तो बिल्कुल पक चुकी है। चलिए अब दाल को तड़का लगाते हैं। अब हम पैन में देसी घी डालते हैं 4 चम्मच। हमारा घी गर्म हो गया, अब इसमें हम जीरा डालेंगे। अब हम प्याज डालेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, बिल्कुल रेडिश हो जाए। अब इसका कलर चेंज हो गया, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे। ये हमारा टमाटर फ्राई हो चुका है, बिल्कुल देख रहे हैं आप, घी अलग हो चुका है। अब इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मसाला पक चुका है, बिल्कुल घी अलग हो गया मसाले से। अब इसमें हम अपनी दाल डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मक्खन डालते हैं। बेसिकली जो दाल मखनी है उसको तंदूर पे पकाया जाता है या चूल्हे पे, बिल्कुल स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, कम धीमी आंच पे। और जो कोयले की जो खुशबू आती है दाल के अंदर, उसका अलग ही मज़ा है। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। अगर आपको दाल गाढ़ी लगे, वैसे तो ये भी सही है, अगर आपको दाल गाढ़ी लगे तो इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल दीजिए। अगर ठंडा पानी डालेंगे तो दाल अलग और पानी अलग हो जाएगा। और इसको कम आंच पे 15 से 20 मिनट तक पकाना है। मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी बॉईल करके। अब इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। अब इसको हम ढक देते हैं, गैस का फ्लेम लो रखना और इसको धीमी आँच पे 15 से 20 मिनट तक पकने देते हैं। 20 मिनट हो गए, अब इसे हम चेक करते हैं। ये हमारी बिल्कुल दाल मखनी परफेक्टली तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ी सी क्रीम डालते हैं। दाल बिल्कुल घुट चुकी है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। अब हम दाल में लाल मिर्च का ऊपर से तड़का लगाएंगे। अब हम इस पे ऊपर से डालेंगे। अब इसमें हम बटर डालेंगे और ऊपर से क्रीम डालेंगे। चलिए हमारी दाल मखनी रेडी है, बनाइएगा, सबको खिलाइएगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।